हाय, मैं हूँ अर्पिता और आप सब देख रहे हो मेरा चैनल मदरहुड विद शनाया। तो आज बहुत दिनों बाद नहीं बोलूँगी, एक दिन बाद आई हूँ। और कल शायद आप लोगों को कोई ब्लॉग नहीं मिला था, तो अभी आज डेट है 16 अक्टूबर, वेडनेसडे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन इन देसी स्टाइल। मेरे स्टाइल में मैं बनाऊँगी चिकन। आप लोगों को चिकन खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, आई लव चिकन। मुझे चिकन मिले तो और कुछ नहीं चाहिए होता है। चिकन एंड राइस, चिकन एंड रोटी, चिकन एंड पुलाव, चिकन के साथ सब चलता है। चिली चिकन के साथ भी मैं रोटी खा लेती हूँ कभी कभी, इतना टैलेंट है मुझ में। तो चलिए आज मैं चिकन बनाती हूँ और देखते हैं कैसा बनता है। रिव्यू कौन देगा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे ससुराल में चिकन खाने वाले लोग काफ़ी कम है। मैं हूँ और हम लोग की जो खाना बनाती है जो पिसी, वो पता है आपको, हम दोनों मिलके ख़त्म करते हैं चिकन को। देवराज को भी जस्ट हार्डली 2 पीस खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाते। तो लेट्स सी कैसा बनता है, और अगर अच्छा बनता है तो वो और भी ज़्यादा खाएंगे, 2 से 4 पीस तो खा ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है चिकन, और देखते हो आप लोग किससे अलग कुछ बनाते हो या मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कि उसमें और क्या क्या चीज़ें डालने से और ज़्यादा वो स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में और बनाते हैं। बहुत दिनों बाद मैं आ जा रही हूँ कुछ खाना बनाने। फ़िलहाल तो अभी चाय बन रहा है, ये देखिए। और इसके बाद बनाती हूँ चिकन। चाय पियोगे आप लोग? शाम को चाय पीते हो या कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स ये सब? तो मैंने कढ़ाई बिठा दी है और इसमें मैंने तेल डाला है, रिफाइंड तेल। और अभी मैं बनाने वाली हूँ चिकन इन माई स्टाइल, देसी स्टाइल। एक्चुअली देवराज को ये देसी स्टाइल बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा से रेड चिली दूंगी, सूखी मिर्ची। मैं चिमनी ऑन नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज बहुत आवाज़ आएगा, शोर शराबा होगा। अब इसमें थोड़ा सा सफेद जीरा डालूंगी और 2 तेज पत्ता। पानी में धोया हुआ है, आवाज आएगी आपको। इसको थोड़ा अच्छे से हल्के से फ्राई कर लेना है, ये देखिए। अब ये सारे मसाले गरम हो गए हैं, ये फर्स्ट में जो दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे हम इसमें मसाले देंगे। सबसे पहले मैं दूंगी इसमें थोड़ा सा आँच, इसका जो है आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। सबसे पहले दूंगी मैं इसमें लहसुन। लहसुन को अगर आप पहले फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन आप दोगे तो लहसुन जो होता है ना बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसको आपको धीरे धीरे हिलाना है। अब इसमें मैं दूंगी अदरक। अदरक थोड़ा दीजिएगा, ज्यादा नहीं तो फिर कड़वा कर देता है, तीता तीता। थोड़ा सा दीजिएगा, ज्यादा नहीं, स्वाद अनुसार। अब इनको एक अलग से आप फ्राई कर लीजिए इस मसाले को। ये दो मसाले जो है बहुत अच्छा टेस्ट देता है खाने को। इसके ऊपर मेरे को पहले ज़्यादा देना पसंद है, आप बात भी दे सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। पर मैं लहसुन को पहले थोड़ा फ्राई कर लेना पसंद करती हूँ, उससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। और अगर कोई कभी काफ़ी बार चिकन से एक बीमारी बोला था तो आँच से स्मेल आती है, वो नहीं आती है अगर आप पहले लहसुन को अच्छे से फ्राई करते हो। लहसुन तकरीबन थोड़ा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं दूंगी प्याज। पहले से ही बैटर करके रखा हुआ है, इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है। और प्याज देखिए, इसको अच्छे से हम लोग थोड़ा सा भूनते हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर।
और कुछ ग्रीन चिल्ली है, कटे हुए हैं ये, पहले से मैंने काट के रखे हैं इसे, अच्छे से इन्हें भून लेना है अभी। और मैं आपको एक टिप देती हूँ, इसे ढक के कीजिए तो ज़्यादा जल्दी होगा और बहुत अच्छा ये अच्छे से एकदम जो आपका कर्श रहता है एकदम हो जाएगा, अच्छे से भून जाएगा अगर आप ढक के करते हैं इसे। ये देखिए, आप देखिए ये जो तेल निकल रहा है बगल से, इसका मतलब है मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब आप इसमें हल्दी डाल सकते हो, मैं इसमें अब हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और स्वाद अनुसार मिर्ची, मिर्ची पाउडर। बस अच्छे से भुन गए हैं, अब मैं उसमें थोड़ा चिकन डालती हूँ। ये धीरे धीरे सब चिकन डाल दीजिए, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ चिकन, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट है। आप मुझे किचन में देखोगे, काफ़ी कम देखोगे क्योंकि मैं किचन में बहुत कम आती हूँ। अब इसको अच्छे से मसालों को चिकन के ऊपर अच्छे से लगा लीजिए। आपको 80% फ्राई करना है, इससे क्या होगा, फ्राई करने से क्या होगा, जब ये चिकन भी इसके साथ साथ फ्राई होंगे धीरे धीरे, तो भुनने में एक साथ मसाला भी तब फ्राई होने लगेगा, अदरवाइज मसाले जल जाते हैं, मैंने ये देखा है पहले भी। मैं इसे टाइम करती हूँ, 80% मसाले भून लेती हूँ और फिर चिकन के साथ रख देती हूँ थोड़ा सा, तो चिकन भी थोड़ा अच्छे से भुनने लगते हैं और फिर ये भी मसाले भी भूनने लग जाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और स्मेल आने लगता है। बाय द वे मैंने नमक नहीं डाला है अभी, अब मैं नमक डालूंगी। मैंने चिकन मसाले को पानी में अच्छे से घोल लिया है थोड़ा सा, इसे मैं थोड़ा सा डालूंगी इसके ऊपर। थोड़ा पानी मिक्स कर लीजिए, इसी मसाले को मैं इसमें मिला दूंगी अच्छे से। और अभी टाइम है नमक देने का, आई थिंक इतना एनफ है। खिला लेते हैं इसको अच्छे से, फिर ढक देंगे ताकि अपना फ्राई करें अच्छे से, पकने देंगे। तो ये ऐसे होता रहेगा जल्दी। चिकन में एक चीज धारणा मैं भूल गई, चलो कोई नहीं, मैंने फ्राई कर लिया है आलू। देवराज को दरअसल आलू बहुत पसंद है, वो चिकन हो या मटन हो जो भी हो, आलू बहुत ढूंढता है कि चिकन में आलू, चिकन का आलू दो, मटन का, मैं मटन बनाती नहीं हूँ, मैं फिश या फिर चिकन ये सब ही बनाती हूँ, तो देवराज को ये सब बहुत पसंद है आलू, हाँ तो आलू डालना तो बनता है। चलो कोई नहीं, मैंने लास्ट में फ्राई कर लिया इसको, मैंने बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, लेट्स सी, होप फिंगर क्रॉस्ड अच्छा बने। पानी भी काफी निकल आया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए
बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है। इसको मैं एक्चुअली ट्रांसफर करती हूँ। मैंने इसमें माइक्रोवेव में पानी गर्म कर लिया है। अब ये ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए, अच्छे से पक जाए, उसके लिए क्या करना है, आपको पानी डालना है। लेकिन आप ठंडा पानी डालोगे तो फिर से वही फॉर्म में चला जाएगा, आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। इसे आप, अब मैं हमेशा आपको शॉर्टकट टिप्स देती रहती हूँ कि फटाफट हो जाना है। तो इसे आप माइक्रोवेव में पानी गर्म कर लीजिए और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, गर्म पानी से वो आलू और चिकन जो है अच्छे से एकदम अंदर से वो बॉयल हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि फटाफट हो जाएगा। फाइनली माई चिकन आर डन, चिकन बन गए हैं, ये देखिए। आई डोंट नो कैसे बने हैं, लेट्स सी, देवरा जाए बताएंगे आपको। थोड़ा सा मैंने हल्का सा ग्रेवी रखा क्योंकि काकू को थोड़ा सा, वो चावल के साथ खाते हैं, राइस खाते हैं रात को, तो वो चावल के साथ उसको अच्छे से खा सके, इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी रखा है। और बाकी आपको रात को पता चलेगा, मतलब डिनर टाइम में कि कैसे खाने बना है। क्या बोलोगे बेटा, बोलो बोलो, सबको गुड इवनिंग बोला आपने? बोला? मैंने तो नहीं सुना आपने कब बोला। बोलो 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 सबको। बाय द वे, माही का डिनर हो गया है, टाइम हो गया है 9:15। मैं 9 बजे तक माही को डिनर करा देती हूँ, 8 से 9 बजे में। माही का डिनर हो गया है, होममेड सलाद बहुत प्यार से खाया है माही ने, नहीं आज। माही को बहुत जुकाम हुआ है, ठंड पकड़ा हुआ है उसको, कॉमन कोल्ड हो गया है, मुझसे हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी सी बैठे हैं पहले से। बोलो बोलो, क्या बोलोगी, लो बोलो। चलो मामा नहीं बोलेगी, आप बोलो, क्या बोलोगे, सबको गुड नाइट बोलोगे? हाँ बोलो, गुड नाइट बोल दो, बोलो गुड नाइट। क्या बोलोगी बेटा, बोलो ना माही दीदी। बाय द वे, आप माही का हेयर्स देख रहे हो, दिन ब दिन पूरा बढ़ता जा रहा है, एकदम फैल गया एकदम ज़्यादा। इसको हमेशा चोटी बांध के रखना पड़ता है मेरे को ऐसे, नहीं तो ऐसे बहुत डिस्टर्ब होता है हेयर से उसको। अभी मैं सोच रही हूँ उसका हेयर कट करूँगी, उसके लिए भी वेट कीजिएगा, एक वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। अच्छा तुम बोलो, तुम हेयर कट करना कब पसंद करोगी? माही, ओ माही, हेयर कट करोगी? माही हेयर कट करे आपका बेटा, कब करे बताओ। एक्चुअली ठंड आ रही है ना, तो हेयर कट तो करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज बहुत ठंड पड़ जाती है और बच्चों को बहुत ठंड लग जाएगी। और इसके हेयर्स देखिए एक बार, पूरे भरे। माही जब हुई थी ना, एकदम पूरे सर पे हेयर्स भरती था, बहुत बहुत क्यूट थी, बहुत क्यूट सी है, अभी भी है बहुत क्यूट मेरी माही। माही चलो टाटा कर दो, चलो टाटा कर दो। कैसा लगा? अच्छा लगा था, थोड़ा बहुत स्पाइसी होना चाहिए था, टेस्ट इज गुड, ठीक है, कोशिश करो, अच्छा लगा। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा स्पाइसी कर दूँगी फिर। सो ये था मेरा आज का दिन। चिकन तो मुझे भी पसंद आए, देवराज को भी पसंद आए, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मैं हल्के हल्के जो ट्रिक दिए हैं आपको चिकन बनाने का। चलिए अभी हम लोग गुड नाइट कर देते हैं, चलो सबको गुड नाइट बोल दो माही, गुड नाइट माही। सो फाइनली टाइम टू रिफ्रेश, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं कल फिर किसी अलग थीम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड लव यू ऑल, गुड नाइट।